रुद्र भास्कर का बहुत प्राचीन प्रतिमा सूर्य और शिव की संयुक्त रूप के मिश्रण से प्रतिमा है जो काफी दुर्लभ काफी ऐतिहासिक है। दुहात ऊपर दुहात नीचे इस तरह की प्रतिमा आपको बिहार में समय कर लेती है। लेकिन ये जो है ये देखो ये भी विष्णु की है। विष्णु का चारों हाथ नीचे है। ये नवादा का अलग स्टाइल है। नवादा में विष्णु की इस तरह की प्रतिमाएं की बहुलता है जबकि दूसरे स्टेट दूसरे जिला में इस तरह की मूर्ति नहीं उस तरह की मूर्ति ज्यादा प्रमुख है। यहाँ एक से एक पुरातत्व अवशेष नवादा की धरती में है जिसको बचाने के लिए जब नवादा जिला बना तो नवादा के जिलाधिकारी महोदय नरेंद्र पाल जी एक प्रयास था कि जो भी मूर्तियां तस्करों के द्वारा विभिन्न स्थलों में बिक जाता है वो नवादा में संरक्षित किया जाए। आप देख रहे हैं केवल नवादा के हृदय स्थली नारद संग्रहालय में हूँ। यह नारद संग्रहालय 1973 में इसकी स्थापना यहाँ के जिलाधिकारी नरेंद्र पाल जी के सहयोग से हुआ था। उस समय ये नारद संग्रहालय जिन सीन अवस्था में यानी एक प्रयास हुआ था नवादा को विरासत बचाने के लिए यहाँ के धरोहरों को बचाने के लिए क्योंकि ये नवादा मगध की पावन धरती पर है। ये बुद्ध की धरती है महावीर की धरती है सूफो संतियों संतों की धरती है। यहाँ एक से एक पुरातत्व अवशेष नवादा की धरती में है जिसको बचाने के लिए जब नवादा जिला बना तो नवादा के जिलाधिकारी महोदय नरेंद्र पाल जी एक प्रयास था कि जो भी मूर्तियां तस्करों के द्वारा विभिन्न स्थलों में बिक जाता है वो नवादा में संरक्षित किया जाए। नवादा एक उपेक्षित जिला के रूप में था उसको एक धरोहर के रूप में जानने के लिए नारद संग्रहालय की स्थापना उनके प्रयास से हुआ। यह संग्रहालय 1973 में स्थापित हुआ था नवादा के प्रथम जिलाधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयास से नवादा संग्रहालय अस्तित्व में आया। 2 मई 1974 इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल आरडी भंडारी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। आज जो ये उपेक्षित नारद संग्रहालय धीरे धीरे विकास की गति बढ़ी है और जब से सुशासन की सरकार बनी यहाँ के कुछ ऐसे पदाधिकारी भी आए जिनके मन में चेतना रही कि दवार ये जो नारद संग्रहालय है ये नारद संग्रहालय के ऐतिहासिक हो और बिहार स्तर भी नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। ये देखिए यहाँ की प्राचीन मूर्तियां हमारे डॉक्टर प्रोफेसर श्री कुमार सिंह जो विभाग का अध्यक्ष है यहाँ का भी विभाग का अध्यक्ष है सहरसा जिले के लिए शोभा की बात है। काफी कर्मठ और उनके दिल में भावना है कि नवादा के इस धरोहर को इस विरासत को अच्छा से सजाया जाए संवारा जाए इसके लिए इनके द्वारा कई प्रयास हुए हैं। मैं सबसे जानना चाहता हूँ विभिन्न मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दे। प्रोफेसर श्री कुमार मिश्रा जी विभाग अध्यक्ष ये जो प्रतिमा है सर जी मेरे बुद्ध का अवलोकेश्वर रूप होता है वो अवलोकेश्वर की प्रतिमा है और ये विश्वा थाना में रखी हुई है। विश्वा थाना के बगल में किसी नदी में ये प्रतिमा लगी थी किसी व्यक्ति को और वहां से उठा करके पुलिस द्वारा नाम रखा गया था जबकि पुलिस का ये दायित्व बनता है कि फिर थाना में कोई भी प्रतिमा नहीं रखना चाहिए या कोई भी पुरातात्विक सामग्री थाना में नहीं रखना चाहिए लेकिन वो ये समझते नहीं है। बिहार पुलिस मंडल स्पष्ट कहता है कि कहीं भी अगर पुरातात्विक सामग्री मिलती है तो उसको सरकारी संग्रहालय में जमा करें लेकिन वो लोग मालखाना में रख देते हैं। बगल में एक थाना है आपका कादिरगंज थाना है जिसमें एक प्रतिमा को देखते हैं जो मालखाना में बंद करते हुए रखते हुए ये अच्छा नहीं है तो उन लोगों को हमने समझाया था वहाँ के थाना वाले हिस्सा थाने वाले को उन लोगों ने इस प्रतिमा को यहाँ बुला के रखा है जिसको हम लोगों ने जनता को प्रदर्शन किया है। और ये प्रतिमा जो है ये तपोवन से मिली है। तपोवन तपोवन में जो वो जो कुंड वगैरह है उसके बगल में पहाड़ के और कुंड के बीच में कई तो प्रतिमाएं फिटी हुई थी उसमें ये भी प्रतिमा है ये सूर्य की प्रतिमा है
2000 वर्ष पहले की एक उपमा है। इससे पहले बिहार में सूर्य की प्रतिमा बनाने का कोई हमें को प्रमाण नहीं मिलता। एक पिलर पर प्रतिमा है जो तो बोधगया म्यूजियम में है, जो इससे पहले की है, लेकिन वो पिलर पर बना हुआ है सूर्य का, सूर्य की प्रतिमा। लेकिन ये अलग प्रतिमा जो है सूर्य की, ये तपोवन में ही मिली है और सबसे पुरानी है बिहार की, उसको ला के हम दर्शन किए हैं और पुरानी तो है। उसके बाद ये प्रतिमा भी सूर्य की सबसे पुरानी है। उसके बाद कितने वर्ष पुरानी होती है? 1000 वर्ष। ये सूर्य की प्रतिमा जो देखने से सर बता रहे हैं 1500 वर्ष पुरानी सूर्य भगवान की प्रतिमा है। ये और एक और प्रतिमा है, ये भी दुर्लभ है हमारे यहाँ। ये प्रतिमा कमरे में दिख पाई सूर्य, इसको रुद्र भास्कर कह सकते हैं। ये सूर्य की प्रतिमा है और उसमें सूर्य के साथ साथ शिव का भी त्रिशूल आप देख सकते हैं। तो सूर्य और रुद्र यानी शिव दोनों का ज्वाइंट जो स्वरूप है, प्रतिमा है, वो अभी तक बिहार में नहीं कहीं पहुंची। सूर्य और शिव, और शिव तो रुद्र भास्कर का बहुत प्राचीन प्रतिमा, सूर्य और शिव की संयुक्त उनके मिश्रण से प्रतिमा है, जो काफी दुर्लभ, काफी ऐतिहासिक है। और ये आप देखिए हरिहर की प्रतिमा है, भगवान विष्णु हरिहर। अच्छा, इधर इधर जो है विष्णु का है, इधर शिव है, तो वो हरि और हर। अब हरि का देखिए ये चक्र है, शंख चक्र गला पद्म की जो बात हम करते हैं, और ये शिव का त्रिशूल है। तो ये हरिहर की प्रतिमा समाय गांव से मिली थी बहुत पहले, इस वर्ष भी मिली है एक हरिहर की प्रतिमा समाय में, जो कि एक पोखर के किनारे एक जो कमरा है उसके बरामदा पर रखा हुआ और सुरक्षित है, इसको तो सुरक्षित करना चाहिए लोगों को। और एक यहाँ पर और जो हमारे यहाँ जो हरिहर की बहुत लंबी प्रतिमा है, वो भी सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ बिहार में। और एक और दुर्लभ प्रतिमा बताते हैं, इतने अब देखिए ये चामुंडा की प्रतिमा है, माँ चामुंडा, चामुंडा की प्रतिमा आप देख रहे हैं। कल्याण सुंदर मूर्ति कहा जाता है, यानी शिव पार्वती की जो विवाह का जो जिसको आप पाणि ग्रहण संस्कार कहिए की बात आप लोग करते हैं, तो शिव पार्वती को जो विवाह के समय में जो उसकी कल्पना से जो प्रतिमा तैयार की गई है, ये प्रतिमा है। वो पार्वती है बाएं में और उधर शिव है, और नीचे में ब्रह्मा जी पुरोहित होकर शादी करवा रहे हैं। वाह, नीचे अच्छा सा कैमरा में जरा फोकस कीजिए, नीचे में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो ये कल्याण सुंदर प्रतिमा भी दुर्लभ है इसके लिए, और सारी प्रतिमाएं का अलग अलग महत्व है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य जैसे कि आप देखेंगे कि विष्णु की प्रतिमा है, देखिए यहाँ ये विष्णु की प्रतिमा जो है जी जी, चार हाथ, दो हाथ ऊपर दो हाथ नीचे, इस तरह की प्रतिमा आपको बिहार में समझ में आती है ये विष्णु। लेकिन ये जो है ये देखिए, ये भी विष्णु की है, विष्णु का चारों हाथ नीचे है, ये नवादा का अलग स्टाइल है। नवादा में विष्णु की इस तरह की प्रतिमाएं की बहुलता है, जबकि दूसरे स्टेट दूसरे जिला में इस तरह की मूर्ति नहीं, उस तरह की मूर्ति ज्यादा प्रमुख है। उत्तर बिहार में तो हम लोग अभी तक नहीं देखेंगे, और दक्षिण बिहार में भी आप लखीसराय जाएंगे तो इस तरह की प्रतिमा नहीं देखा है। गया में एक मूर्ति है इस तरह की, और लेकिन नालंदा में भी नहीं के बराबर है। ये जो है तो नालंदा, गया, लखीसराय, भागलपुर की जो प्रतिमाएं हैं विष्णु की पहले की, तो ये एक अलग कला है, मूर्ति कला है, प्राचीन धरोहरों से सुसज्जित नवादा किस पावन धरती के संग्रहालय में
आज प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा जी द्वारा उन दुर्लभ मूर्तियों के बारे में, उन देवी देवताओं के मूर्तियों के बारे में हम लोगों को जो बताए हैं, यानी मीडिया को बताए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं केवल सत प्रेस के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, नवादा के सांसद को, नवादा के माननीय विधायक को और नवादा के जिलाधिकारी महोदय को उससे भी चाहूंगा कि नवादा एक आदर्श समृद्ध तभी होगा जब यहाँ का विरासत बच पाएंगे। आए हम सब मिलकर नवादा को विरासत को बचाएं और नवादा के धरोहर नारद संग्रहालय को आदर्श